Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am Akshay and you are watching AY की राइट। So guys, ये कोई मोटो ब्लॉग नहीं होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको चंदौसी के 5 फेमस प्लेसेस बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी फेमस हैं चंदौसी के अंदर। आप जब भी चंदौसी आए एक बार यहाँ पर जरूर घूमने आइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बात करते हैं फिफ्थ नंबर की। फिफ्थ नंबर पर है वेणुगोपाल जी का मंदिर। इस मंदिर के अंदर आपको लॉर्ड कृष्ण और राधा जी की मूर्ति देखने को मिलेंगी जो कि देखने में काफ़ी प्यारी हैं। और इस मंदिर के अंदर गौशाला और यज्ञशाला भी है, तो आप यहाँ पर एक बार जरूर जाइए। और इसी के जस्ट बराबर में एक मंदिर है कुंज बिहारी जी का मंदिर। उस मंदिर में भी आपको लॉर्ड कृष्ण और राधा जी की मूर्ति मिल जाएगी, बट उस मंदिर के अंदर एक शिवलिंग है जो कि 250 साल पुराना है। जब भी यहाँ एक बार जरूर देखने जाइए इस मंदिर को। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर की। फोर्थ नंबर पर गणेश जी का मंदिर जो कि चंदौसी में काफ़ी फेमस मंदिर है। और इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर गणेश चतुर्थी के टाइम पर यहाँ पर रथ यात्रा निकलती है जो कि पूरे चंदौसी में घुमाई जाती है। और यहाँ पर गणेश चतुर्थी के टाइम 10 से 15 दिन का गणेश चौथ का मेला लगता है जो कि पूरे इंडिया में बस दो जगह लगता है। एक लगता है मुंबई में और सेकेंड लगता है चंदौसी में। जब भी आप चंदौसी आएँ गणेश चतुर्थी के टाइम तो यहाँ पर एक बार जरूर घूमने जाइए, काफ़ी अच्छा मेला लगता है यहाँ पर। सो गाइस, थर्ड नंबर की बात करें, थर्ड नंबर पर बड़े हनुमान जी का मंदिर जो कि चंदौसी में लगभग 300-400 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर जो हनुमान जी थे वो खुद प्रकट हुए थे। और इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर जो भी हनुमान जी की 40 दिन तक चालीसा का पाठ करता है उसकी विश जरूर पूरी होती है। इस मंदिर के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर आई बटन में आ रहा होगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस बात करते हैं सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर पर शिव जी का मंदिर जो कि चंदौसी से 8 से 10 किलोमीटर दूर एक बेतनी नामक गाँव में स्थित है। ये मंदिर लगभग 200 या 250 साल पुराना मंदिर है। और इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो खुद प्रकट हुई थी। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी आप विश मांगते हो वो जरूर पूरी होती है। अब जब भी यहाँ पर चंदौसी आएँ तो एक बार इस मंदिर पर जरूर जाएँ। सो गाइस, फाइनली बात करते हैं नंबर वन की। नंबर वन पर रामबाग का मंदिर। इस मंदिर के अंदर आपको बहुत सारे देवी और देवताओं की मूर्ति देखने को मिल जाएगी, बट इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर नवरात्रि के टाइम जो 9 देवी होती हैं उनका मंदिर है और यहाँ पर। और यह मंदिर 9 देवी के टाइम काफ़ी अच्छे से डेकोरेट होता है, तो आप जब भी यहाँ आएंगे तो 9 देवी के टाइम जरूर जाइए। आपको सच में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी इस मंदिर में। और यहाँ पर दशहरे के टाइम रावण भी जलाया जाता है। और यहाँ पर जो भी फंक्शन होता है, मतलब कि जो भी फेस्टिवल होता है, यहाँ पर काफ़ी धूमधाम से बनाया जाता है। जब भी आप चंदौसी आएँ इस मंदिर पर जरूर जाएं। जैसे कि कोई त्यौहार नहीं होता है तो आप यहाँ पर आराम से घूमने आ सकते हैं। और घूमने आओगे तो साथ में आपको देवी देवताओं के भी दर्शन हो जाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। टिल देन, राइट सेफ, दिस इज अक्षेप साइनिंग ऑफ। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।